शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पूजा, राइट? प्लीज, हेलो, यस, थैंक यू, श्योर। सूरज की दोस्त, सबसे करीबी दोस्त। सूरज मुझे भी बहुत पसंद है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे कब क्या चाहिए। इस वक्त भी उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, इसलिए सीधे उसी की तरफ दौड़ रहा है। हेलो सूरज, मिस्टर खन्ना, सॉरी, थैंक यू वेरी मच, दैट्स व्हाई आई लाइक द बॉय। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? Mr. Singhania, excuse me, have a good time. How are you, Mr. Singhania? Hello, Mr. Nava. I was hoping to see you in New York. How's your child doing? They are so important for Mr. Navid. Oh, okay. It's been wonderful working with you all. Excuse me. Yeah. Excuse me. कहाँ जा रही हो? घर। घर? मुझे अकेले छोड़ के? तुम जानते हो आज की रात मेरे लिए क्या मायने रखती है? तुम अकेले कहाँ हो सूरज? सारी पार्टी तुम्हारे साथ है, सभी जानते तुम्हें। ओ, तो तुम मेरे लिए थोड़ी देर बोर नहीं हो सकती हो? तुम तो नाविद जी से बात भी करी। हाँ, बहुत अच्छी बातें करते हैं तुम्हारे नाविद जी, और तुम्हें भी सिखा दिया है बड़ी बड़ी बातें करना। अपनी दोस्त की मौत को बहुत अच्छी तरह से बेचा है तुमने। पता है पूजा, बात वो नहीं है, बात यह है कि मेरी तरक्की से तुम्हें खुशी नहीं हो रही है, बल्कि बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हारे दिए हुए टाइम से तुम्हें नहीं मिलता हूं, तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिलता हूं, तुम्हारे चॉइस के कपड़े नहीं पहनता हूं, तुम्हारे सहारे चलना मैंने कम कर दिया है, क्योंकि अब मैं वो लड़का नहीं रहा जो तुम्हें पसंद था, एक सीधा साधा भोला भाला बेवकूफ लड़का। मैं संगीता चोपड़ा एनिवेशन के लिए राष्ट्रपति भवन के सामने खड़ी हूँ, जहाँ इंतजार हो रहा है एक ऐसे शख्स का जो न सिर्फ हिंदुस्तान के मीडिया बादशाह हैं, बल्कि उन्होंने विश्व में इंडियन मीडिया एंड कम्युनिकेशंस को एक ऐसा स्थान दिलाया है जो कोई और न दिला सका। इनका नाम है मिस्टर नावेद अली। सर, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे सर? इसका मतलब सर,
इस मिट्टी से उठाऊं, इस मिट्टी से जुड़कर रहूंगा, इस मुल्क के लिए, इसकी तरक्की, इसकी उन्नति के लिए। सर, आप आने वाले दिनों में विदेशी कंपनियों से कोलैबोरेशन करना चाहते हैं? ये पीएम तो नावेद अली को बड़ा टाइम दे रहे हैं। अच्छा नावेद साहब, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अपोजिशन के लीडर हैं, आप जाके क्यों नहीं उनके क्लोज हो जाते? बहुत कोशिश की, पुट्ठे पर हाथ ही नहीं रखने देता। You run such a huge business empire, and now you've got the ultimate award from the president of India. Tell me, Mr. Ali, how did this happen? My mind and my heart were in perfect sync. लेकिन ये सब इतनी कम उम्र में कैसे? वीर साहब, उम्र का कामयाबी से कोई ताल्लुक नहीं होता। Okay, in that case, there are many young people watching this program. Do you have a message for them? Yeah, I feel they should try and reach for the sky. आसमान पाने का ख्वाब देखो, सूरज तो मिल ही जाएगा। That was Naved Ali, a self-made man. Well, that's the end of Star Talk this week. But we'll be back on Monday. बेटा, इस किताब में महान लोगों की तस्वीरें इसलिए चिपकाई है ताकि अच्छाई, बुराई, संस्कार, समाज, देश, ये तस्वीरें तुम्हें इसके बारे में समझाती रहें, तुमसे सवाल पूछती रहें, तुम्हें रोकती रहें। तू मेरा छोटा भाई नहीं हो सकता। लड़ाई छोड़ के भागा? अरे अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा? अरे इज्जत का ख्याल होता तो वही गोली खा के मर जाते, यूं भाग के वापस ना आते। भगोड़ा गई। भाई साहब, मैं खून खराबा नहीं कर सकता, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। आप चाहे मुझे कुछ भी कहें, डरपोक कहें, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं गायत्री और सूरज के पास रहना चाहता हूँ, इनके साथ रहना चाहता हूँ। हमें कहीं और भेज दीजिए, कहीं और भेज दीजिए। भाई साहब, जहाँ भी भेजा है कायरों की तरह वापस आया है। कहीं चंदर श्रीवास्तव, तुम्हें कायर घोषित करते हुए गिरफ्तार किया जाता है। भाई साहब, चलो, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। गायत्री, बचा लो, मत जाने ना मुझे, बचा लो मुझे। महाजनु जैन गता सुपंतर, इसका मतलब है जीवन में उसी पथ पर चलना चाहिए जिस पर महान लोग चले हों। गायत्री, आर्मी हेडक्वार्टर से तार छोटे ने लॉकअप में आत्महत्या कर ली है। Oh.
साथ भैया, लौटने पे करारी जलेबी तैयार मिलेगी। और मेरे लिए? आमुन्ना तुम्हारे लिए भी। विश्वा जी, राजस्थान से मोटी असामी आई है ऊंची घाट पे, उन्हें भी गौदान कराना है। तुम पर गंगा मैया का आशीर्वाद रहे बेटा। चलो चलो। आइए सूरज भैया, ये लो। अंदर है। मजा नहीं आया क्या? बात है हीरा भैया, आपकी जलेबी में दम नहीं रहा, ऐसे लग रहा है जैसे गर्म पानी में डुबो के निकाली। चीनी का भाव हमारी गिनती से बाहर निकल गया भैया। आप भी दाम और भाव के चक्कर में आ गए हीरा भैया। अरे आपकी जलेबी का कोई स्टैंडर्ड है, आप बनारस की शान हो, मेंटेन करो उसे। मेंटेन कर कहां मेंटेन करें? अरे भैया अगर हम मेंटेन करने लगे ना तो मालूम है कहां हुई है? यहां पर हीरा हलवाई की दुकान थी का बोर्ड लग जाइए। अरे जमाना बहुत बदल गया है भैया, बहुत बदल गया है। आजकल जलेबी वलेबी कोई नहीं खाते है, आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पियत है, और वो डबल रोटी के बीच में पता नहीं ससुर कहां कहां लगा के खाई जाते हैं। जमाने ने ऐसी पलटी खाई है भैया। मेरे लिए दूध और समोसा लाना भैया। पैदा हुआ था पंडित और बन गवा बनिया। जमाने को कोसने से आपकी दुकान नहीं चलने वाली हीरा भैया, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता, सब मार्केटिंग का खेल है, आप नहीं समझेंगे ये सब। विश्वा जी वो मुंशी घाट का काम हो गया? हाँ तुम्हारी दया से हो गया बेटा। हम कहा नहीं समझ सकते, अत्यधिक विस्तार से समझाओ भैया। बैठिए। लो बैठ गए। देखो हीरा भैया, हाँ लोग चांद तक पहुंच गए पर फिर भी गौदान कराते। अरे हैमबर्गर आएगा जाएगा मगर ये समोसा समोसा हमेशा रहेगा। अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, पिज्जा और आइसक्रीम से टक्कर लेनी है तो थोड़े खर्चो, बैंक से लोन लो, किसी कोल्ड ड्रिंक का बोर्ड लगाओ। अरे कोल्ड ड्रिंक और समोसे का कॉम्बिनेशन हिट है। और हाँ इस दुकान को पेंट कराओ, यहाँ एक कलर टीवी लगाओ, थोड़ी साफ सफाई रखो। हाँ और दुकान का नाम रखो Pride of Banaras। फिर आप देखिए। ए भैया ये तुम्हारी इंग्लिश मीडियम की बातें हमरी समझ में नहीं आते भैया। धीरूभाई अंबानी को भी नहीं आती थी। और हीरा भैया जमाना बदला नहीं है, उसने सिर्फ अपनी रफ्तार तेज कर दी। इसीलिए तेज दौड़ लगा दो भैया शायद। माँ मेरे लिए कोई चिट्ठी? पहली चिट्ठी आई होगी आपके नाम की। छोटी आज मजाक नहीं है, ताऊजी को बुलाओ। हाँ बुला लो, बाबूजी तो दुकान पर गए हैं। छोटे माँ देखो इधर दो। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ती, तुम भाई बहन आपस में निपट लो। खाली गिरा दी इस लड़का, आप कुछ कह दे तो किसी को बुरा लग जाए, क्या कहे? नाराज काहे होती है ताई, उठा लेते हैं। अरे पसीना वाला हाथ, राम 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 राम, और कितने पाप चढ़ाएगा बेटा। बेटा अब तेरी उम्र हो गई है, कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो बुरा भी ना किया कर। देख बेटा ये तेरा घर है, तेरे ताऊ जी जब तक हो सकेगा कमा कमा कर तुझे खिलाएंगे, तेरे परिवार को खिलाएंगे, जितनी हो सकेगी हमसे हम सेवा। अरे क्या मामा कर रही, चुप कर, ऐसा क्या कहा हमने जो बुरा लग गया? इस घर में प्यार से कहते तो इल्जाम लगा देते। मुझे एडमिशन मिल गया, अब मैं वही पढ़ूंगा जो नवाई दली पढ़ते थे।
का या आपके लिए। थैंक यू। हाँ और छोटी, जितनी भी जल्दी हो सके मैं तुम्हें वहां बुला लूंगा पढ़ाई के लिए। देखो माँ, तुम ऐसा करोगी तो नहीं जा पाऊंगा मैं। तुम्हारे बंबई जाने का दुख नहीं है मुझे, लेकिन बहुत दूर है बेटा। अपनी संगत अच्छी रखना, और कुछ परेशानी हो तो पांडे जी का टेलीफोन नंबर है ना, अपना ख्याल रखना बेटा। जी तेरा बेटा।
मेरे सपनों का मेला पीछे मेरे बहार, हर भरे पेड़ों के नीचे हर मौसम मल्हार। भैया अरे आगे मेरे सपनों का मेला पीछे मेरे बहार, हर भरे पेड़ों के नीचे हर मौसम मल्हार। मेरे ही सपनों स्कॉलरशिप सिर्फ तुम्हारी कॉलेज फीस के लिए है। यहाँ रहना और किताबों का खर्च खुद को उठाना होगा। ओके जी मैम, मैं जानता हूँ। 655 कॉस्ट अकाउंटेंसी 55 रुपीज। बस बुक करेक्ट गिर गया मैम, आज तो मैं पार्टी करेगा। नो फिलिप, इट्स नॉट 55 रुपीज, 655 रुपीज 75 पैसे। 655 रुपीज 75 पैसे ऐसे कैसे मैम? दिस इज वेरी पजलिंग। आप एक काम करो, दिस इज 50, दिस इज 4 2 6 650 round figure ma'am. Hi, मेरा नाम फिलिप है, गोवा से। आजा, 2 रुपए का बदले में तेरे को कॉलेज का ट्रिप करवाता है। एक्चुअली मुंबई हिल स्टेशन है ने, पर ये लोग अपना एड्रेस में मलाबार हिल लिखता है, इसलिए ऐसा टूरिस्ट के माफिक दिखता है। और ये है अपना जीनियस जेंट्री ग्रुप, यू नो डॉक्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, एक्चुअली पढ़ाई लिखाई वाला मैन। अगर इन लोग का बुक्स छीन लेगा ना तो ये लोग पुलिस में जाके रिपोर्ट कर देगा। और ये अपना स्पोर्टी ग्रुप, ऑल द टाइम स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, क्या एनर्जी है मैन इन लोग का। और ये मसल पावर ग्रुप, अगर इन लोग से आंख मिल गया ना इन लोग को देखने का नहीं। अरे तू क्या करता, आजा आजा इन लोग को मत देख। ये तो कैसा ड्रेसअप हो गया है बॉस, ये लगेज वगैरह ये सब, ऐसा लगता है तो रेलवे स्टेशन आया कॉलेज नहीं। मैं तेरे को एक दोस्त से मिलाता है। धीरज ये ब्लेजर उतार, ब्लेजर उतार, मैं तेरा सामान का पूरा बंदोबस्त करवा देता है। धीरज ए फिलिप कैसा है? धीरज व्हाट्स अप मैन, ये अपना फ्रेंड सूरज, ये धीरज। हेलो
एक काम कर धीरज, ये सब सामान वामान रख। अरे अपन, लेकिन मैनेजर आएगा, शाउटिंग करेगा, आई विल से देन व्हाट? एग्जैक्टली, यू विल से सो व्हाट? ये पकड़, ये प्रिंसिपल का वेलकमिंग स्पीच है तुम्हारे लिए। चलो चलो चल चल स्पीच पे जाते हैं। मेरे को बहुत काम है, बेटर है वर्क। ओके चल ये भी रख ले। लेकिन मेरा सामान? अरे नो प्रॉब्लम मैन, अपना ही दोस्त है, टेंशन नहीं लेने का। चलो आई सी यू धीरज, बाय। चल अरे अपने सामान का टेंशन मत लेना सनी बॉय, धीरज अपना बहुत अच्छा दोस्त है, वो कैंटीन में ऐसे पार्ट टाइम जॉब करता है, वैसे अपना कॉलेज में पढ़ता है, इज अ वेरी एंटरप्राइजिंग बॉय मैन। सेंट एंड्रूज कॉलेज वेलकम्स ऑल द न्यू स्टूडेंट्स एंड वी विश देम ऑल द लक फॉर दिस न्यू सेशन। आई वुड लाइक द न्यू स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स एज देयर नेम्स आर कॉल्ड आउट। चल अभी तेरा भी नंबर आएगा। Ready, 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 man. Gaurav Gopal. Hi, I'm Gaurav Gopal from Mumbai. इसका नंबर ना सारी की सारी लड़कियों के पास मिलेगा। और अपना? Akhilesh Mishra, 92%. Hello, I'm Akhilesh Mishra from Mira Road. Miss Radhika Kulkarni from Surat, 97%. She is a brilliant student. College की prefect बनेगी। Radhika topped in the SSC exam all over Maharashtra. She is also the junior chess champion of the state. The Suraj Srivastav from Banaras, 72%. Champion in athletics. सूरज श्रीवास्तव, बनारस। आई होप यू हैव अ मोर अटेंटिव ईयर इन दिस कॉलेज मिस्टर श्रीवास्तव। आई विश यू ऑल ऑल द बेस्ट एंड अ वंडरफुल ईयर। थैंक यू। सूरज, मैं धीरज को बोला था तेरा सामान संभाल के रखने को, पर इधर हर नया स्टूडेंट के साथ ऐसा होता ही है मैन, यू कांट हेल्प इट। हैव सम मार्क एंड लड्डूज मैन, दे आर रियली हॉट। पूजा, मोनी, ये किताब वापस दीजिए, वापस कर दीजिए किताब। चलो। Hey, angry man from Banaras. Take it easy, man. Chill out. क्या है इस किताब में? हाँ, जो भी है किसी और के मतलब की नहीं है। अभी अभी तो प्रिंसिपल कह रही थी कि तुम स्पोर्ट्समैन हो, क्यों रेस लगाओगे? तीसरे फ्लोर पे एक घंटी है, उसे पे जाके वापस या नीचे आना है। अगर जीत गए तो ले लेना अपनी किताब, लेकिन अगर हार गए तो नोटिस बोर्ड पे लगा दूंगा, सारा कॉलेज पड़ेगा। क्यों? ठीक है। Hey, chap! Where are you going, man? Come on! This way, man! Go on! Hey, man! Come on! This way! Come on, man! Come on!
Mind blowing, man. Really good. Come on, man. Up to my sister Taki, my Yaka champion. Welcome to the gang, man. All right, guys. Everybody to the canteen. Drinks on me. Come on, man. Let's go. Come on. Come on, man. Come on, let's go. Well done, Suraj. Very good, yeah. Well done, dost. Congrats. क्या है क्या इस किताब में? मेरे ख्वाब। ये है अपन का पैलेस और इधर का रेंट है 1200 रुपया। जमता है तो बोल। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए मैन, मैं तेरे को जैसा ही मिला मेरे को मालूम था तू एकदम करेक्ट आदमी है मैन। और इधर नीचे में एक रेस्टोरेंट है मालूम? उधर 1000 रुपए देने का मंथली और ब्रेकफास्ट और डिनर फर्स्ट क्लास टाइम पे पहुंच जाता है। और क्या चाहिए मुंबई में? तू बोलना यार। बस एक पार्ट टाइम नौकरी। पार्ट टाइम नौकरी? पैसा कितना तेरे पास वैसे? 321 रुपए। धट तेरे की। तू एक काम कर, 300 रुपए का टिकट खरीद और 21 रुपए का चना, और चना चबाते चबाते वापस बनारस जा मैन। इधर काहे को आया मैन? क्यों, क्या हुआ? ये मुंबई है सनी बॉय, मुंबई। इतना इजी नहीं है इधर मैन। देख, इधर सिर्फ माँ का आशीर्वाद से सब कुछ नहीं चलता है मैन, तो समझ आए ना यार। हाँ, भाई का साथ भी चाहिए होगा ना। मैं कुछ सोचता है मैन। ओ कंजरा, ओ खोतिया, लगता है तेरे को भाई का साथ मिल गया। ये आवाज सुना तू? ये स्वीटी अंकल का आवाज है, इधर का मालिक और 10 टैक्सी का ओनर। जितना आवाज कड़क है ना उतना ही दिल का नरम है मैन। कम ऑन, फिक्स योर, कम ऑन। ए आजा आजा, तेरे को ड्राइविंग आता है ना? हाँ। अरे आजा मैन, आजा आजा। ओए हम तो तुम्हें अपने बेटे की तरह समझते हैं और तुम हम, ओए हम लोगों ने तुमको हमारे ऊपर मजाक उड़ाने की परमिशन दे रखी है, ये हमारा बड़कपन है और तुम हमको बेवकूफ समझते हो। सॉरी भाई। ओ चल आए, ओए हमको बेवकूफ ना समझना और खास तौर पे सरदार स्वीटी सिंह को तो बिल्कुल बेवकूफ ना समझना। सर पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता है, और चोरी करने की क्या जरूरत थी? औलाद की तरह रखते हैं तुम लोगों को, और फिर भी हेरा फेरी और शर्म आनी चाहिए। हेलो स्वीटी अंकल। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, तू बाद में आके मेरे से मिलना। पापा जी चाहे। फिर आ गया तू? और तेरे को मैंने कितनी बार कहा है कि तू बाल कटा, ड्राइवर कम और चोर ज्यादा लगता है, दबाओ चल। स्वीटी अंकल चाय के साथ ही खाएंगे, बहुत मजा आएगा। मट्ठी ये जी मेरी माँ ने बनाई। तू बाहर से आया? जी। ना तो मेरे पास कोई कमरा खाली है और ना कोई नौकरी है, और तू ले आया इसको, तेरे को तो मैं ठीक करता हूँ, तू बाद में मेरे से मिलना। स्वीटी अंकल मेरी बात तो सुन लीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ आपके यहाँ ड्राइवर कितना कमा लेता है? और जब ड्राइवर रखना नहीं है तो इस बात का फायदा? बस ऐसे ही जनरल नॉलेज। 250 रुपए कमा लेता है रोज का। 250 रुपए मेरे हफ्ते में 7500। आप मुझे 2000 दे दीजिए। हाँ देखिए स्वीटी अंकल, हफ्ते में 2 दिन के लिए भी अगर ये टैक्सी खाली पड़ी रहे तो आपको 1500 का नुकसान होगा। काम अच्छा ना लगे तो हफ्ते के अंदर पैसे दिए बगैर निकाल दीजिए। स्वीटी अंकल ईमानदार हूँ, शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। हाँ और गाड़ी भी बहुत अच्छी चला लेता हूँ। देखिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखिए, देखिए बस। और सुना कि पंजाबी लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। कोई शक है उसमें? और तू यहाँ पढ़ने आया है कि ड्राइविंग करने आया है? जी दिन में पढ़ाई करूंगा, रात को टैक्सी चलाऊंगा। 4 दिन में शहीद हो जाएगा, सोएगा कब? जी मैं सोता कम हूं, जागता ज्यादा हूं। बोलता भी बहुत ज्यादा है, आगे पता नहीं जाके लीडर बनेगा। और एक बात और ध्यान रखी, मेरी टैक्सी को जरा भी डेंट लग गया। अरे उसके बारे में फिक्र मत कीजिए, बस मर्जी खाइए बस। ये लीजिए देशपांडे जी। हाँ यशवंत नमस्कार। आओ आओ।
ये क्या है? लिस्ट। और यशवंत कैसे हो? ठीक हूँ दादा। तुम्हारे साथ के स्टूडेंट्स हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं? अब भर्ती तो हो रही है दादा, लेकिन आजकल लड़के मिलते कहाँ हैं? मतलब आधों को तो इस कंप्यूटर ने अटका रखा है और बाकी के आधे राजनीति से दूर भागते हैं। सही है। अब अपने साथ तुम टेढ़े मेढ़े डरावने से लड़के रखोगे तो कौन तुम्हारी बात मानेगा? पूरी दुनिया भेड़ चाल चलती है जी। सामने एक अच्छी से सुंदर सी भेड़ चला दो, बाकी सब पीछे पीछे आ जाती है, समझे? That's Mithun. Hello. That's Simran. Prasad. Hi. And that's Pooja. 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 Good timing, Pooja. तुम अपना take off अच्छा कर लोगी तो timing भी और अच्छा हो जाएगा। Bye. बहुत फास्ट दौड़ता है यार बापू। पुलिस के साथ बहुत लफड़ा खेला लगता है बापू। तू इसका लंगोटिया है, हैं? ये घटिया मजाक काहे को किया तूने? क्या है? माफी मांग। माफी मांग फटाफट। रहने दीजिए। सॉरी बोल। यशवंत। अपन बहुत सॉरी है बॉस। यशवंत राणे। सूरज श्रीवास्तव। तेरे को देखा नहीं रे पहले कभी इधर। बाहर गांव से आया है क्या? गांव से नहीं, बनारस। बनारस शहर। अरे हाँ वही यार, मुंबई के बाहर सब गांव। सूरज, बाहर से आया हुआ हर विद्यार्थी हमारे छोटे भाई की तरह होता है, और तू कहीं उन हाय हलो की औलादों के चक्कर में मत पड़ जाना। हमारी पार्टी में शामिल हो जा सूरज, बहुत आगे जाएगा तू। दफ्तर में आके साइन कर देना। जिंदगी का संघर्ष हम सब भाइयों को मिलके करना है। बड़े भाई का आशीर्वाद रहेगा ना तो सुखी रहेगा, ठीक है? जिंदगी में संघर्ष सबको करना पड़ता है रानी भैया, लेकिन मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहूंगा। मेरी लड़ाई, मेरी हार, मेरी जीत। और हां, जहां तक आशीर्वाद का सवाल है, मेरे ऊपर तो गंगा मैया का सदाबहार आशीर्वाद है, फिर भी सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। As shown in the diagram, we get the equilibrium prize when the quantity demanded. क्या कह रहा है ये? Equilibrium. Equilibrium. Ideal point. So the consumer's demand. ये जो कह रहा है एक बार समझ में आ जाए ना, पूरा लेक्चर समझ में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, बोला मत। Where you will find the theory that the good supply is equal to demand, which then decides the equilibrium price, resulting in a further rise in price. Understood? Any fluctuation in this further causes inflation. Demand is equal to supply. A consumer is in equilibrium. मतलब balance. From the price that he pays. मतलब संतुलन होना. From the purchase of goods. मिल गया रे धीरज, ये किताब के पन्ने क्यों पलट रहे हो? मैं समझा रहा हूं ना, स्टैंड अप। आई सेड स्टैंड अप। सर मैं वो मतलब ढूंढ रहा था। मतलब? जी आप कहते हैं ना वो इस किताब में, वो आपने कहा ना इक्विलिब्रियम। जी वही। तो इकोनॉमिक्स की क्लास में तुम इंग्लिश सीख रहे थे? सर वो जो नहीं मिल सकता उसके पीछे इतने क्यों पड़े हो? हिंदी मीडियम क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? सर वो हिंदी तो आती है, अंग्रेजी सीखनी थी इसीलिए ज्वाइन किया। बट आई एम इन अटेंशन सर, वॉट यू आर सेइंग आई एम टेकिंग इन माई माइंड। आई एम ऑलवेज अटेंशन सर। आई नो इकोनॉमिक्स, ओनली इंग्लिश सर थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं सीख रहा हूं सर। आई एम लर्निंग एंड देन आई विल ऑल्सो बी इन इक्विलिब्रियम सर। कुछ नहीं यार, प्रोफेसर लोग सब टेंशन लेते हैं। हाय पूजा। शाम को क्या कर रहे हो रोहन? शाम को तो मैं फ्री हूँ। मैं भी फ्री हूँ, चलो ना कहीं चलते हैं। हाँ मैं तो तैयार हूँ, किसी और से पूछना हो तो पूछ लो। पूछ तो रही हूँ मैं, बट आई गेस नोबडी इज इंटरेस्टेड। सी यू एट 8। बाय। सी या। डोंट टेक टेंशन यार।
बचपन से जानता हूँ सबको टेंशन देती है। शाम को आ जा, we'll go for a movie। चल ना सूरज। नहीं यार मुझे काम है। I can't। यार come on man, come on for the view काम यार। गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में भयंकर भूकंप आया। इसकी चपेट में आए परिवारों के घर दोबारा बसाने का जिम्मा श्री नवेद अली ने लिया। इतने गौर से टीवी में क्या देख रहे हो आप? ओ पुत्र, नवेद अली के बारे में कुछ आ रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। खैर, मैं इन बच्चों के भविष्य के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कमाल का बंदा है ये नवेद अली। लोग अपनों को नहीं संभाल पाते और उसने पूरे गांव की जिम्मेदारी अपने सर पे ले लिए। और लोग ऐसा क्यों नहीं बनते यार? बनेंगे, जरूर बनेंगे। बस एक मौके की कमी है। Have a coffee. Okay. Excuse me. Yeah. Hi. I'm Pooja. जानता हूँ। तुम मुझसे इतने घबराए हुए क्यों रहते हो? घबराए रहता हूँ? हाँ। नहीं तो? देखो, अभी भी तुमसे ऐसे खड़े हूँ। अच्छा, तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या? मैं रोज 6 बजे तुम्हारी तरह ट्रैक पे आ जाया करूंगी और तुम अपनी प्रैक्टिस खत्म कर लेना। आई विल वेट फॉर यू। ओके? आपको हेल्प क्यों चाहिए? मैं भी 100 मीटर्स दौड़ती हूँ। मेरा टेक ऑफ अच्छा नहीं है। अगर मैं अपना टेक ऑफ ठीक कर लूँ ना तो आई कैन मीट एनीबॉडी। सो विल यू हेल्प मी आउट प्लीज? ओके, थैंक्स। अरे ये क्या कर रहा है मैन? ये तेरा पैसा वेस्ट करने का नहीं, सेव करने का टाइम है। हाँ, तुम नहीं समझोगे फिलिप। अरे इतना तो मैं भी समझता है मैन कि तेरा फैमिली बढ़ाने का टाइम आ गया और उसके लिए पैसे का जरूरत तो है। अच्छा मेरे को ये बता, आई लव यू तूने उसको पहले बोला कि उसने तेको बोला? बता ना। तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे पूजा की मैन। मेरे को आजकल सुनने में आया कि आजकल ग्राउंड में प्रैक्टिस कम होता है और तुम्हारा बातचीत ज्यादा होता है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अरे देख मैन, अगर पूजा और तेरे बीच में कुछ नहीं है तो मेरे को बता मैन। मैं जाके सारे कॉलेज को बोल देगा कि बॉस सनी बॉय इज नॉट इंटरेस्टेड। और अगर कुछ है तो मेरे को बताना, मेरे को बहुत काम करना पड़ेगा मैन। तेरा हेयर स्टाइल से लेके लाइफ स्टाइल, मेरे को सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। योर शर्ट, योर शूज। तो मजाक करते हो अच्छा लगता है, पर हर वक्त नहीं। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। किसने किससे क्या कहा मुझे याद नहीं है। लड़के ने लड़की से बात कर ली, हल्ला मच गया। मैं सोचता था कि ये सोच सिर्फ छोटे शहरों में होती है, पर सब लोगों का दिमाग एक ही तरह चलता है। वैसे लड़कियों में है क्या तो तुम लोग बावले हो जाते हो? कुछ नहीं। हाय हाय, याद है ना कल सुबह 6 बजे? जी शाप। बाय फिलिप। बाय बाय सूरज। 6 बजे पहुंचने के लिए 5:30 बजे उठना पड़ेगा। क्या बोला था? बावले हो जाते हो लड़कियों के लिए। ए शट अप, कम ऑन। कितना हो गया भाई साहब? 50 रुपए। हाँ ये लो। सी शूज मैन, लगता है तेरा लाइफस्टाइल धीरे धीरे बेटर होता है। आए मैं थोड़ा देर के लिए एक नैप लेता है। पूजा आएगी तो मुझे उठाना। ओके okay?
ढूंढ रहे थे? ढूंढ नहीं रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। झूठ नहीं बोल पाते तुम, मुझे ढूंढ रहे थे ना? हाँ, तुमने कहा था तुम आओगी, इसलिए बेचैन हो रहे थे। बेचैन नहीं हो रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था। तुम नहीं आती, प्रैक्टिस करता चला जाता। और फिर जब मैं कॉलेज में मिलती तो तुम मुझसे नहीं पूछते कि पूजा क्या बात है, तुम ग्राउंड पे नहीं है प्रैक्टिस के लिए? पूछते कि नहीं? After all, I'm your friend, ना? अच्छा चलो। उस दिन बच गए थे ना, इसलिए। चलो, come on। स्टार्टिंग लाइन से डेढ़ कदम पीछे। ओके। ऐसे। Like that. Body weight in the center. All right. अब अपनी आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लो? और जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, फिनिशिंग लाइन के उस पार देखो। अब अपनी आंखें धीरे से खोलो, उसे महसूस करो, वही तुम्हारी मंजिल है। और बस दौड़ जाओ उसे पाने के लिए। ये क्या हो गया है, ये क्यों हो गया? अब तक ये मेरा था, अब दिल खो गया। किसे कहूँ ना कहूँ, किसको पता? कैसे कहूँ ना कहूँ, ये तू ही बता। ये क्या हो गया है, ये क्यों
Mr. Naved Ali. दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। अभी कुछ साल पहले ही तो मैं वहां उस तरफ पांचवी रो 11वीं सीट पर बैठा करता था। मैं हमेशा वहीं बैठता था। वहां बैठकर मैंने कई बड़ी हस्तियों को बातें करते हुए सुना है। आज यहां अपने कॉलेज के स्टेज पर खड़े रहकर मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं तो ये महसूस कर रहा हूं कि शायद मैं भी किसी लायक बन गया हूं। जिस तरह स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है उसी तरह मेरा भी एक ख्वाब था, मगर उस तक पहुंचने के लिए कोई जरिया नहीं था। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी किस्मत और आज मैं यहां आप लोगों के सामने, मैं आप लोगों के लिए एक जरिया बनकर आया हूं, एक छोटी सी सीढ़ी लेकर आया हूं, एक स्कॉलरशिप फॉर द बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू असिस्ट देम इन देयर फर्दर स्टडीज एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द यूएस ऑफ ए। आई होप ऑल ऑफ यू विल वर्क हार्ड एंड मेक मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद। उस कुर्सी पर बैठा करता था तो स्टेज पे खड़े किसी भी शख्स ने मुझे यह मौका नहीं दिया जो मौका मैं तुम्हें दे रहा हूं सूरज। जब इतने ऊंचे ख्वाब देखते हो तो उसे पूरा करने का हौसला भी रखो, वरना ख्वाब देखना छोड़ दो। मैं चाहता हूं कि तुम जीतो
वो स्कॉलरशिप तुम्हारी हो, ओके? ऑल द बेस्ट सूरज, ऑल द बेस्ट सूरज, सूरज, चलना, सब चले गए, कमान, कमान, लेट्स गो भाई, चल सूरज, लेट्स गो, चल धीराज, इसको लेके आ बाहर, हम लोग बाहर खड़े हैं, से मिलना है, क्या? आई हैव टू मीट सूरज, ये इस तरफ हम नया विंग बना रहे हैं, आप जरूर आइएगा, और वहाँ, थैंक यू सो मच, आपका ये जो नया विंग है, सूरजा, if you ever need any help, I'm always there, definitely, okay, bye, okay, thank you. स्कॉलरशिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये स्कॉलरशिप मैं ही जीतूंगा, सिर्फ मैं। तो फिर जरूर मुलाकात होगी। से आया हूं आज का दिन सबसे अच्छा था, मैंने नावेद साहब से हाथ मिलाया मां, उन्होंने स्कॉलरशिप अनाउंस की है, बेस्ट ऑलराउंडर को अमेरिका भेजा जाएगा, मैं जाऊंगा मां, मैंने नावेद साहब से वादा किया है, बाकी सब ठीक है, एग्जाम की तैयारी शुरू हो गई है, आपका बेटा सूरज। ये क्या चाची, कितनी बार पढ़ोगी ये चिट्ठी, अब तक तो भैया का रिजल्ट भी आ चुका होगा। सूरज श्रीवास्तव 86% सूरज यू गॉट 86% डैम गुड रोन 86.5 अरे वो धीरज को क्या हुआ, रोल नंबर क्या, उसका कुछ रोल नंबर मुझे याद नहीं है यार, देखना ओके धीरज के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए exactly, I'm sure मैं उसके लिए कुछ रहने का इंतजाम कर सकता हूं। I can pay for next semester fees, yeah, come on. ठीक है, और मैं प्रिंसिपल से कह के उसे वापस काम पे लगवा दूंगी। That's great, that's great. I think that's cool. वो देख सूरज, वो है धीरज का फादर और उनका बाजू में खड़ा उसका छोटा भाई आनंद और पीछे बैठी उसकी माँ, सारा जिंदगी का कमाई लगाकर भेजा अपने बेटे को इधर पढ़ने के लिए ताकि एक दिन वो अपना छोटा भाई को इधर ला सके, उसको भी अच्छा स्कूल में पढ़ा सके, अपने माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा बन सके। मैं सैतालीस के पहले अंग्रेज जान ले रहे थे, 47 के बाद अंग्रेजी जान ले रही है। बहुत समझाया था मैंने इसे कि मान जा, अपने भाइयों के साथ आ जा या हाई फाई चक्कर छोड़ दे, लेकिन नहीं साहब, इंग्लिश सीखनी थी। क्या हुआ नतीजा, हाँ क्या हुआ, आखिर मार डाला ना इस इंग्लिश ने। Let's go, come on, आगे बढ़ो, चलो। देखो, I'm sure धीरज को अब तक पता चल गया है कि हमें बहुत दुख हो रहा है उसे जाने से। चलो, come on। I don't think तुम्हें कोई दुख हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है दुख, गुस्सा आ रहा है। मैदान छोड़ के भाग गया ना? मैं गरीब हूँ, मुझ पे तरस खाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मर गया ना? रोहन, आदमी खाने से गरीब होता है।
कपड़ों से गरीब होता है, लेकिन अगर विचारों से गरीब हो ना तो उसकी अपनी गलती होती है। मरना चाहिए उसको, मर गया ना। पूजा, 84 लाख योनियां जब हम जी लेते हैं ना, तब जाके इंसान जन्म लेता है और फिर एक दिन खत्म। आत्महत्या क्या होती है और उसका असर कितना गहरा पड़ता है ये मैं जानता हूं पूजा, क्योंकि बिल्कुल धीरज की तरह मेरे बाप ने भी दुनिया की डर से अपनी जान ले ली थी। धीरज को लड़ना चाहिए था, और अगर इस कोशिश में उसकी जान चली जाती तब जाके मुझे उसकी मौत के ऊपर अफसोस होता, ऐसे नहीं। उसे लड़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए था उसको। रोहन कौशल 86.5% एंड सूरज श्रीवास्तव 86%। मिस्टर नावेद अली ने साफ कहा था कि ये स्कॉलरशिप बेस्ट ऑलराउंड स्टूडेंट को दी जाएगी। तो अब स्पोर्ट्स डे की 100 मीटर रेस ये डिसाइड करेगी कि तुम दोनों में से हु इज द बेस्ट। गुड लक। थैंक यू मैम। गुड लक टू यू। थैंक यू मैम। बाय सोनिया। बाय पूजा। हे पूजा। हाय रोहन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। यस श्योर। देखो पूजा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने का मौका सबको तो नहीं मिलता, और यह जीतना मेरे लिए भी उतना ज़रूरी है जितना सूरज के लिए, लेकिन उसमें जो जोश और जो कॉन्फिडेंस है उसे देखकर मुझे डर लगता है कि अगर वो हार गया तो वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। रोहन, तुम्हारा मुकाबला सूरज से है, वो धीरज की तरह कमज़ोर नहीं जो एक ही झटके में कमज़ोर पड़ जाएगा। देखो पूजा, सूरज इज अ फ्रेंड, लेकिन इस रेस में मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, क्योंकि जीतना मेरी आदत है। और जीतना सूरज की जरूरत है। स्वीटी अंकल, रेस के लिए जा रहा हूं। आया सूरज पुत्र, अभी आया। बचाओ! उस बच्चे को हा? चलो जाओ यहाँ से, चलो। सरदार जी, हमारे आपस का मामला है, आप अगर बीच में ना आए तो आपके लिए अच्छा होगा। ओए, मैं गुरु का सिख हूँ और हम सरदार तो बड़े दूसरों की मदद के लिए हैं, और तुम समझते हो कि तुम्हारे जैसे टुच्चों के लिए मैं अपनी कौम से गद्दारी कर दूं? और दोबारा बच्चे को हाथ लगाया ना तो इतना मारूंगा कि पीख मांगने के लायक नहीं रहोगे। निकालो इनको बाहर, फेंक दो इनको। और नहीं पुत्र, तू इस पंगे में मत पड़, आज का दिन तेरे लिए बहुत जरूरी है, तू कॉलेज में जा। लेकिन जा कॉलेज, और जा पुत्र कॉलेज जा। मुझे छोड़ के मत जाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मैं मर जाऊंगा। अब पकड़ इनको, ओए मान जाओ शराफत। अस्पताल ले जा इनको, अस्पताल ले जा। ले चलो। Participants for the 100 meter race have taken their positions. Lane 1, Shafi Sheikh. Lane 2, Vinay Shastri. Lane 3, Amit Ruya. Lane 4, Rohan Kaushal. Lane 5, Suraj Chandra Srivastav. Kya? Has he come? Nahi aaya re. Lane 7, Arun Banerjee. Lane 8, Uday Chitnis. We welcome Mr. Naved Ali, the sponsor for the Howard Scholarship.
Mr. Suraj Srivastava is requested to take his place in lane 5. Mr. Suraj Srivastava. Mr. Suraj Srivastava. Mr. Suraj Srivastava. On your marks, get set. Congratulations. Thank you. Welcome. Very good. Thank you. Philip, are you sure that train is on the platform? Philip, वो देखिए मैं नमस्ते माँ जी मैं पूजा सूरज कैसे है बेटा सूरज ठीक है मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ फिलिप जरा सामान देख लो माँ वो मुंबई में अंडरवर्ल्ड के लोगों की गिरफ्तारी के पीछे जिसका हाथ था वो आदमी सिटी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 में है सब इंस्पेक्टर अरुण जाधव जो 4 महीने तक अंडरवर्ल्ड के लोगों के बीच में रहे उनके ही आदमी बनकर और सारे गैंग की खुफिया इन्फॉर्मेशन लेते रहे इस कारनामे से पुलिस डिपार्टमेंट की गिरती हुई इमेज में जरूर सुधार आएगा संगीता चोपड़ा एनए विजन मुंबई अब घबराने की जरूरत नहीं है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे ब्रेव बॉय सुन लिया ना डरने की कोई बात नहीं है माँ मेरे साथ एक आदमी आया था अब वो ठीक है उसकी माँ बैठी है बगल में रो रही है बेचारी चलो अच्छा है अब जल्दी से ठीक हो जाएगा उसकी माँ आ गई है ना मुझे खुश करने की कोशिश मत कर हां डॉक्टर बोलता है तू एकदम फिट है मैन मां ये मेरा दोस्त फिलिप है मैं जानती और... हूं मैं मिल चुकी हूं इन दोनों से सूरज तुमसे कोई मिलने आया है पता नहीं कौन होगा जी इस तरफ से थैंक यू हाउ आर यू फीलिंग सूरज Fine, thank you. My name is Lara Oberoi. मैं मिस्टर नावेद अली के साथ काम करती हूँ उस दिन उस पुलिस ऑफिसर की जान बचाकर बहुत बड़ा काम किया तुमने वो पुलिस ऑफिसर था And by the way, ये मेरा कार्ड है मिस्टर नावेद अली तुमसे मिलना चाहते हैं जब भी वक्त मिले फोन कर लीजिएगा Get well soon. Thank you. नमस्ते नमस्ते Bye. ओ सूरज पुत्र ओ जाग गया मेरा शेर ओ पुत्र तूने तो चंडे ही गाड़ दिए फट्टे ही चाक देते ओ तू ये हॉस्पिटल है गैराज नहीं क्या चिल्ला रहे हैं आप धीरे बोलना चाहिए हां जी नहीं तो मरीज और बीमार हो जाते हैं ओ चुप है ओ पैर जी तुसी किसी बात की फिक्र ना करो ओ मुंडे ने तो कमाल ही कर दिया है ओ पुत्र वो है ना कैलाश यादव ओ भैंसों के तबेले वाला वो तेरे नाम से एक अखाड़ा खोलना चाहता है तेरी परमिशन चाहता है अखाड़ा लेकिन ये जीत अधूरी रही दोस्त तुम्हें नहीं हरा पाया ना सी यू पूजा सी यू रोहन यू टेक केयर ऑफ हर ओके एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ आई विल बाय मैं इसको एयरपोर्ट छोड़ के आता हूं आई ड्रॉप हिम टू द एयरपोर्ट हैव अ गुड फ्लाइट ए सूरज वो काट कहां है बात करो बात करो Hello. Good morning, Envision. Good morning. Call for Lara. Lara ji hai. May I know who's on the line? Suraj Srivastava. Everything should be done on time, yes? Excuse me, ma'am. Please make sure that doesn't happen again. Call for you, ma'am. Thank you. Hello. There is some Mr. Suraj Srivastava for you, ma'am.
Yes, please put him on. Thank you. Hello, Suraj. Lana ji, namaste. मुझे लग ही रहा था कि आज तुम्हारा फोन आने वाला है. रोहन का सारा बंदोबस्त ठीक था? Yes, first class. Thank you. Good. Mr. Navid Ali कल तुमसे मिलना चाहते हैं. ठीक 4 बजे ऑफिस पहुंच जाना. Yes, ma'am. And please be on time. Yes, ma'am. Thank you. क्या हुआ? क्या? जहाँ हम बनाएं, जहाँ पहला हो हर वो नजारा, कुछ ऐसा जहाँ हम बनाएं, जहाँ पहला हो हर वो नजारा, पहला सावन का बादल, पहला लहराता आंचल, पहला भवरा वो पागल, जहाँ पहला गली ने पहली खटा से क्या कहा है सुंदरा, बारिश की पहली बूंदे तुम, सूरज की पहली किरने तुम, और मेरा ऐसा जहां हम बनाए, जहां पहला हो हर वो नजारा, कुछ ऐसा जहां हम बनाए, जहां पहला हो हर वो नजारा, पहला सावन का बादल, पहला लहराता आंचल, पहला भवरा वो पागल, जहां पहला प्यार हो, जहाँ हम बनाए, जहाँ पहला हो हर वो नजारा, पहला सावन का बादल, पहला लहराता आंचल, पहला भवरा वो पागल, जहाँ पहला प्यार हो,
एक्सक्यूज मी, किससे मिलना है आपको? लारा ओब्रॉय। अच्छा यस मैडम, लारा को फोन दीजिए। हेलो मैडम, मिस्टर सूरज वांट्स टू मीट यू। उनको बिठाई, मैं भी आती हूँ। ओके मैडम, आप प्लीज वेट कीजिए, मैडम आ रही हैं। हेलो, हाँ अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, उसको गेट नंबर 2 से भेज दीजिए। ओके या हेलो सूरज। लारा जी, हाउ आर यू मैम? गुड, आई सी यू राइट ऑन टाइम, प्लीज कम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये स्कॉलरशिप मैं ही जीतूंगा, सिर्फ मैं। मैं हर शाम अपने बीते हुए दिन को फास्ट फॉरवर्ड रिवाइंड करके देखता हूं, कई दिन हो गए ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसे देखकर दिल कहे वाह क्या बात है। फिर बरसों बाद मैंने देखी ये आंखें, एक जुनून है इनमें। उस दिन जब कॉलेज में तुमने मुझसे कहा कि मैं जीतूंगा सर, सिर्फ मैं, एक सनक सी थी तुम्हारे चेहरे पर, उस सनक को देखकर मुझे लगा कि ये जरूर जीतेगा। मगर तुम तो ग्राउंड पर पहुंचे ही नहीं। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, मैं गलत कैसे हो सकता हूं, आंखों का तो पार ही हूं मैं। गलती की तुमने, एक अजनबी की जान बचाने चले, एक मौका खो दिया। इट कुड हैव चेंज्ड योर लाइफ, तुम्हारे ख्वाब पूरे हो सकते थे। उस मौके पर मुझसे ज्यादा उस अजनबी को मेरी जरूरत थी। और रही बात ख्वाब की, वो तो अभी सच होंगे। क्या बात है, हैरत में डाल देते हो, ये कम उम्र और इतनी बड़ी सोच। जो हुआ वो कमाल नहीं था, लेकिन जिसने ये किया वो कमाल है। तुम पर इसका पता सबको चलना चाहिए, क्योंकि मेरा काम है, मैं बनाऊंगा तुम्हें। इस देश में हीरोज की कमी है, मैं दूंगा उन्हें एक, उनका अपना एक हीरो, सूरज श्रीवास्तव। मैम यहां पे, जितनी जल्दी हो सके ये कागज रेडी कर दीजिएगा। यस मैम। थैंक यू। कुछ पूछना है तुम्हें सूरज? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत मजा आता होगा ना आपको। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कितने साल से काम कर रही हैं आप? अब तो बहुत लंबा अरसा हो गया। एक्सक्यूज मी,
Hello. Yeah, can I call you back? Thank you. आज जो मेरे साथ हुआ ना, पहले कभी नहीं हुआ है. अब तो होता ही रहेगा. बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है. Shall we? Yeah. After you. Thank you. नमस्ते मैडम. नमस्ते. 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 आओ सूरज, प्लीज हैव अ सीट. थैंक यू. सम टी. थैंक यू. अब करना क्या होगा? कुछ नहीं, जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स. मुंबई पुलिस ने तुम्हारे लिए एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है. दिस विल बी योर वेरी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस. गेट रेडी फॉर इट. और ये टाई कैसे लगेगी? ये टाई मालूम कैसा लगेगा? वो बच्चा ना बेपन तरह बेपैसा लगेगा मैन. क्या यार, तू कैसा दोस्त है? बस बैठ के ताना मारते रहे. मदद मत कर मेरी. अरे क्या यार, पहले से ऐसे दी टेंशन है. मां मैं इस फंक्शन में नहीं जा रहा हूं. क्यों आंटी जी? देखो ना, एक घंटा से एक टाई. कल जब तुम काम करने लगोगे, मुश्किल से मुश्किल फैसले खुद करने पड़ेंगे, तब क्या करोगे? जैसा तू है वैसे ही टाई पहन. कुछ और बनने की कोशिश में अपने आप को खो मत देना, क्योंकि जो कुछ भी होगा इस सूरज की वजह से होगा, जो मेरा बेटा है. अपने आप पर हमेशा भरोसा रखना बेटा. एक मिनट मां. मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए बहुत बड़े ख्वाब देखे हैं. जिस दिन आपको लगे कि मैं इनके लायक हो गया हूं, आप इस किताब में मेरी तस्वीर लगा दीजिएगा. आपके संस्कारों का बांध बहुत मजबूत है मां. मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा. मुझ पर भरोसा रखिए. और आज का ये लास्ट अवार्ड एक ऐसे नौजवान के लिए जो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं है. पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है, लेकिन हमारा ये प्रयास जनता के सहयोग के बिना नामुमकिन है. मायसेल्फ देशपांडे, हम लोग पहले मिल चुके हैं दिल्ली में. सूरज श्रीवास्तव ने सिद्ध कर दिया है. जो हिम्मत, जो जज्बा इस नौजवान ने दिखाया है, उसकी मिसाल ये शहर कई सालों तक देता रहेगा. मिस्टर सूरज श्रीवास्तव. कांग्रेचुलेशंस बेटा. थैंक यू. वेल डन. धन्यवाद. सूरज. अरे सर आप. कांग्रेट. थैंक यू. ये मेरी पत्नी. नमस्ते. मी तुला सांगितले होते ना काका, ते हे सेलो. हेलो अंकल. थैंक यू. आपने इनकी जान बचाई, हम जिंदगी भर आपका ये एहसान भूलेंगे नहीं. जिंदगी में कभी भी हमारी जरूरत पड़ी तो हमें जरूर याद कीजिएगा. थैंक यू. Excuse me, sorry to disturb you. Suraj, can I take you for a moment, please? जी. अच्छा. Bye bye. Bye बेटा. Bye. माँ जी इस तरफ से. Come on. Okay. By the way, I like what you're wearing. All yours. Good job, Lara. Good job. Thank you, sir. Thank you. क्या आप अरुण जाधव को पहले से जानते थे? जी नहीं.
उसके पीछे आपका मकसद क्या था? आपने एक अनजान आदमी की मदद क्यों की? क्योंकि इस शहर में कई अनजान लोगों ने मेरी मदद की। इस सम्मान के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुना है पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाले? जी नहीं। सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, आगे जाके देखते क्या होता है। हमारे परिवार का बच्चा है, बचपन से ही कुछ करने की चाहत थी उसको। और क्या, मेरे भैया है वो, मेरे भी भैया है। पूरे देश में सूरज भैया का नाम हो गया है, इंटरनेशनल हो गया है वो, इंटरनेशनल। अरे प्राइड ऑफ बनारस ई नहीं है, प्राइड ऑफ बनारस तो हमारा सूरज है। सूरज सूरज, जिस तरह आपने अरुण जाधव की जान बचाई उस तरह आपका एक कॉम्पिटिशन था। इफ यू हैड वन दैट, आपको एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप मिलती। Despite that, you let this opportunity pass. आपने ऐसा क्यों किया? देखिए मिस्टर सांगवी, मुझे नहीं लगता कि यह स्कॉलरशिप किसी की जिंदगी से ज्यादा बड़ी है। अगर मैं ये रेस जीत जाता तो सिर्फ मुझे खुशी होती। पर आई लाइक टू बिलीव कि इस हादसे ने इस देश के किसी भी कोने में एक छोटे से बच्चे को थोड़ा बहुत हौसला और हिम्मत दी है। That means a lot more to me. लेकिन सूरज, इस घटना के बाद, on the basis of this one incident, you have a star status. How does that feel? अच्छा लग रहा है। Still getting used to it, but बहुत अच्छा लग रहा है। Well, that's the end of Star Talk this week, but we'll be back. मैं जरा बिस्किट लेकर आती हूँ। Don't go. क्या हुआ तुम ऐसे अचानक? सूरज तुम्हें कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? क्या यही कि किस तरह से प्रेस वाले इस इंसिडेंट को कोई दूसरा ही रंग दे रहे हैं? अरुण जाधव जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उनसे टक्कर ली, उनको एक्सपोज किया, कोई उसे नहीं पूछ रहा है, और वो क्या सूरज, वो लोग तुम्हें क्यों हीरो बना रहे? ये सही है कि तुमने उसकी जान बचाई, उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि कुछ ज्यादा हो रहा है? आई थिंक दे ओवर डूइंग इट। मैंने इस बारे में सोचा नहीं, पर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जिन लोगों की तस्वीरें हम अखबारों में या टीवी पर देखते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं सुनते हैं, उनकी कुछ हैसियत होती है, उन्होंने कुछ किया होता है, वो उस लायक होते हैं। जब वो हो सकते तो फिर मैं क्यों नहीं? या तो मुझे इस लायक ही नहीं समझती हो? सूरज मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। सूरज बाजी, कोई लारा मैडम का फोन हैगा? आओ जी आ जाओ। हेलो हेलो सूरज, लारा। लारा जी, नावेद साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। कब? अभी, मैं बस उधर आ रही हूँ। आप लारा जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, तुमसे जरूरी काम था, कम सिट इन द कार। ओके नावेद सर चाहते हैं कि तुम उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करो और रात को इन्वेस्टर्स के साथ पार्टी भी है। ओके ओके। If we have a larger bandwidth on our channel, right, we can reach more people. Good evening, gentlemen. Please be seated. Good evening, ma'am. Good evening. Evening, gentlemen. I've called this meeting for a very special reason. We are planning to launch a new channel. हिंदुस्तान में 5 करोड़ टीवी सेट्स हैं और 5 करोड़ टीवी सेट्स को देखने वालों के घरों में एटलीस्ट 4 मेंबर्स हैं, यानी कि 20 करोड़ लोग हर रोज टीवी देखते हैं। मैं इन 20 करोड़ लोगों से एक साथ बात करना चाहता हूं। प्राइवेट चैनल्स की पहुंच सिर्फ बड़े शहरों तक है,
और वो लोगों को अपने प्रोग्रामिंग से इतना खुश रखते हैं कि उन्हें आने वाले खतरों के बारे में कोई इल्म ही नहीं। मैं इस देश के दिल में घुसना चाहता हूं, इसके दिमाग में, इसकी रूह में। हमारे देश के नौजवानों की तकलीफों को एक आवाज बनाकर मैं इस चैनल के जरिए पेश करना चाहता हूं और इस चैनल का नाम होगा आवाज। परफेक्ट। Shall we? I think your ideas are very enterprising, Mr. Lowry. Excuse me. Wow, Lara. समझ में नहीं आता किसकी तारीफ करूं, हीरे की या हीरे को तराशने वाले की। ऐसा काम करने के लिए तो काम से इश्क करना पड़ता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है सर। May I have your attention, please? मैं शुक्रगुजार हूं आप सबका आज की शाम के लिए। आज की ये शाम एक नई शुरुआत के नाम।
से मुझे पिला के किया मुझको मस्ताना बहुत दिनों बाद सड़क पर चलने का दिल कर रहा है, ये है ना समथिंग? तुम्हें देखकर मुझे बीते हुए दिन याद आते हैं। उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था, सर जेब में बड़े बड़े ख्वाब लेकर घूमा करता था, और आज खैर लेट्स टॉक अबाउट यू। तुम्हें कैसा लग रहा है आजकल? चारों तरफ तुम्हारी चर्चा हो रही है। और क्या चाहिए तुम्हें? व्हाट एल्स डू यू वांट? सर मुझे तो सब कुछ चाहिए। मेरे जेब में बस इतना सा ख्वाब है। यू नो दैट्स व्हाई आई लाइक यू सो मच सूरज। ये चैनल जो मैं शुरू करने जा रहा हूं ना, मैं चाहता हूं कि तुम उसे संभालो। मौका बार बार नहीं आता, और ये मौका जितना छोटा शब्द है ना उतनी ही देर के लिए आता है। तुमने सर का ऑफर एक्सेप्ट करके बहुत समझदारी का काम किया है। अब एक ऐसी कहानी की तलाश करो जिससे हम अपना चैनल शुरू कर सके। कम ऑन। नावेद सर का ये सोचना है कि तुम्हारी जगह शिखर पर है, राइट एट द टॉप। इसलिए एक नई नौकरी के साथ एक नया घर, राइट एट द टॉप। कंग्रेचुलेशंस। घर? हाँ, और उन्हें मुझे बहुत बड़ी नौकरी दी है मां, साथ में ये घर। मां बनारस से मीना को बुला ले, उसे यहां कॉलेज में दाखिल करा देंगे, सब साथ में रहेंगे, बहुत बड़ा घर है। पहले ये चाबी घर की मालकिन को दे दे, जो ये घर संभालेगी, जो मुझे भी बहुत पसंद है। जा जाके पूजा से मिल, वो तुझसे बहुत नाराज है। नारी के भीतर की खूबसूरती उसके भीतर का नखरा है, नाज है, शर्म है, लिहाज है। नारी बहन भी है, जननी भी है, और अर्धांगिनी भी। वो अलग अलग रूप में जीवन में प्रेम और प्रकाश लाती है। तो बहुत कुछ करना होगा। वहाँ व्हाइट और ब्लू कलर के पर्दे होंगे, और यहाँ होगा हमारा सोफा सेट, और वहाँ हमारा डाइनिंग टेबल, और वहाँ माँ का मंदिर। लेकिन सूरज,
तुम कितने भी बिजी हो जाओ लेकिन रात का खाना हम लोग साथ में खाएंगे। और एक जरूरी बात, तुम प्लीज फर्नीचर मत खरीदना, तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है। और उस दीवार पे हम लोग एक ब्यूटीफुल पेंटिंग रखेंगे और कमरे के बीच में एक लवली शैंडेलियर। लेकिन तुम एक बात बताओ सूरज, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सारे सपने सच हो गए, मेरे सारे ख्वाब। जुल्फों में तेरी गुम हो जाए, ये हवाएं जुल्फों में तेरी गुम हो जाए, हम चूमे निगाहों से चेहरा तेरा, होठों से छू लेते दामन तेरा, अपनी पनाहों में तुझको भर, मेरी आरज़ू को परेशान करे, ये हवाएं ज़ुल्फों में तेरी गुम हो जाए। We'll be right back.
पनाहों में तुझको भरे, मेरी आरज़ू को परेशान करे। ये हवाएं ज़ुल्फों में तेरी गुम हो जाए। Good morning. Morning. Congratulations, front page again. शायद मेरी किस्मत वाकई में अच्छी है। अब वक्त आ गया है काम शुरू करने का सूरज। आवाज इज बीइंग हेविली प्रमोटेड एंड एक्सपेक्टेशंस आर गोइंग टू बी हाई, वेरी हाई। उस फ्रंट पेज पे तुम्हारी जगह बनी रहनी चाहिए एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। व्हाट वी नीड सूरज is a story. जानता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करूँ। It's very simple. यहाँ से। Great work. आइए भाभी जी। मीना। कैसे हो बिना? ठीक हो। ताई। जीते रहो बेटा, मकान तो खूब बढ़िया बना लिया है। माँ, फिलिप कहाँ है? सामान लेकर आ रहा है। कितना अच्छा घर सजाया तुमने। मैंने नहीं, पूजा ने। ये पूजा कौन है? वो सब बातें छोड़ दो, दोस्त है मेरी। चलो बता मन, मैं खुद पता करूंगी। तो आजाद पार्टी रखी है तुम्हारे आने की खुशी में। कम योर रूम इज राइट हियर। अरे मुरम्मत पार्टी है। अरे दूठो तो हम साड़ी लेके आए बनारस से, पार्टी में क्या पहनेंगे? पार्टी है। स्वीटी अंकल, I'm so happy किया भाई। ओ मैं आता कैसे नहीं? ओ पुत्र, तूने तो मेरा सपना पूरा कर दिया है, वरना मेरी खोली से निकल के आज तक कोई टैक्सी ड्राइवर से ज्यादा तो कुछ बड़ा ही नहीं। यस यस यस। संभल के फिलिपा, कैसी लग रही हूँ? आंटी आई एम श्योर, अगर ये ड्रेस मैं आपके लिए नहीं लाया होता ना, तो मैं एकदम आपका माधुरी दीक्षित समझ बैठता। सीरियसली आंटी, हाय। छोड़ इसको, ये बता सलमान आया? मुझे बचपन से इंटीरियर डिजाइनिंग का शौक था। मौका दिया है। एंड आई माइट परस्यू इट एज माय करियर आफ्टर ग्रेजुएशन। एंड दिस इज माय फेवरेट इटालियन किचन। पूजा, हाय। मीना। हाँ। सूरज की सिस्टर। अमेजिंग, कमाल है। तो मीना कैसी लगी मेरी पूजा? हाय, आई एम लारा। Hi. Nice to meet you. Hello. Hey Philip, Rohan. Hey Rohan, साला एकदम सही टाइम पे फोन किया बात। हाँ हाँ इधर है, एक मिनट एक मिनट। पूजा, पूजा रोहन यूएसए से। हाँ। रोहन। Hey सूरज, how are you doing? Good good good. अच्छा पूजा कहीं मिला है? बहुत बड़ा आदमी बन गया? बड़ा पता नहीं, आदमी जरूर बन गया हूँ। अच्छा वैसे पूजा है यार? She's right here. एक सेकंड, रोहन। रोहन, हेलो, हम लोग एक साथ कॉल में। हाय रोहन, वी आर ऑल अ बिग गैंग। पूजा, रोहन, मैं सूरज के हाउस डेकोरेशन में बिजी थी। कम विद मी, कम विद मी। चलो चलो, दिस ड्रिंक प्लीज, थैंक यू। पूजा, क्या तुम सूरज के साथ खुश? तो हां। कहानी मिल गई। कॉलेज में हमारा एक दोस्त था धीरज, अंग्रेजी ना जाने की वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। उसका एक भाई था आनंद। चलो बच्चों, चलो कम ऑन। सूरज जल्दी कीजिए। मैं आनंद, धीरज का छोटा। हाँ पहचाना मैंने, मेरी चिट्ठी मिल गई आपको? हाँ मिल गई।
साथ चलेंगे फिर, हम आपके घर से शुरू करेंगे। जी अच्छा, चलो आओ, चलो ना। आपका नाम क्या है? धीरज। धीरज जब शहर गया था ना पढ़ने, तो जैसे इस इलाके का हीरो सा हो गया था वो। दो चार और भी बच्चे उसके नाम के, लेकिन अब वो शहर नहीं जाएंगे पढ़ने। चलिए आप घर चलिए। ये पिताजी है, धीरज भैया के जाने के बाद ये ज्यादा बोलते नहीं। आइए ना आप अंदर, आइए ना, आइए ना। ए आई, ए आई। हाँ? बस हाँ। कौन है? ये सूरज है, आपले धीरज कॉलेज मध्ये शिकले आहे। आपल्या गावात है ना शूटिंग साठी आले आहेत। ते तुला ना फक्त दोन तीन प्रश्न विचारेल, तू व्यवस्थित एकदम उत्तर दे। आणि हे बघ, माझी केस वेज माझी को जरा धूप मिले जाएंगे तो अच्छा होगा। प्लीज माझी, चलिए प्लीज। यहाँ चलेगा प्लीज? हाँ यहाँ आ जाओ, ये बरोबर है ना? हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। आई रेडी? घाबरू नको। रोल। माजी मैं धीरज के साथ पढ़ता था, उसे जानता भी था, पर आप हमें धीरज के बारे में बताइए। चांगला होता, खूब चांगला होता, गावात असा मुलगा नव्हताच। मालूम है गावचा सरपंच उसके पास सलाह लेने को आता था, पर जब से वो पावले की औरत बीमार जाने ना, उसके डॉक्टर ने अंग्रेजी में चिट्ठी भेजी, धीरज पढ़ नहीं पाया, वो मर गई वो। तब से धीरज बोलता था, मला इंग्रजी शिकायचं आहे, शहर में जाने का है। ए काय रडतेस त्यांच्या समोर? आपला मुलगा गेला ना, मग तो परत जाणार का त्याला? अरे या लोकांनीच मारलं त्याला, ठाऊक नाही तुला? मालूम नाही तुम्हें, हम गांव वालों को बराबर दबा के रखना चाहते हैं ये लोग। खूब दबा के रखो बाबू, हम दबेंगे, लेकिन इतना भी मत दबाओ कि हम मर जाए। मैं इस वक्त जहाँ खड़ी हूँ, वहाँ अब से थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होने वाला है जो हमारे देश को एक नई दिशा देगा। उसी सिलसिले में हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति व समाज सेवक श्री नावेद अली अपना अगला कदम उठाएंगे, जिसका सारा भार श्री सूरज श्रीवास्तव के कंधों पर होगा। हम गांव वालों को बराबर दबा के रखना चाहते हैं ये लोग। खूब दबा के रखो बाबू, हम दबेंगे, लेकिन इतना भी मत दबाओ कि हम मर जाएं। क्या चीज है? जानवर है कोई? नंगे बदन बेशर्मों की तरह इस महफिल में आने की जरूरत कैसी की इसने? किसकी शरारत है ये? कोई कहीं बैठा हम पर हंस रहा है, कौन है ये? कौन हो तुम बोलो? क्या कौन? भविष्य? किसका? इस देश का? हिंदुस्तान का भविष्य तो मुझे साफ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम तो एक बुरा सपना हो,
तुम थे? तुम हो नहीं क्या? हमें पता नहीं कि आज भी निचली जाति के लोगों को जान से मारना पाप नहीं माना जाता? महीने का वेतन परिवार के लिए कम पड़ता है और सब मिलकर आत्महत्या कर लेते हैं। अंग्रेजी ना आने से नौकरी नहीं मिलती। क्या अब भी हमें गर्व हो रहा कि हम हिंदुस्तानी हैं? क्योंकि ये खड़ा हिंदुस्तान, ये नंगा भूखा भद्दा सा। आज तो हमारी लोगे राजा हैं, तो फिर क्यों बच्चों की तरह आपस में लड़ते हुए सरकार सरकार खेल रहे हैं? ताकि देश होता रहे इस बच्चे की तरह? अब कौन चुप कराएगा इसे? किसकी जिम्मेदारी है ये? 100 करोड़ के हो गए हम, किसके हिस्से में लिखा ये काम? ये जिम्मेदारी हम उठाते हैं, क्योंकि बस बहुत हो चुका, अब कोई धीरज नहीं मरेगा और इस बच्चे की सिसकियां एक नारा बन के गूंजेंगी, एक गले से एक आवाज में। आवाज एक जिम्मेदार चल। वाओ भैया, आप तो बहुत ही अच्छे थे, सब लोग तालियां बजा रहे थे और आप तो क्या दिख रहे थे भैया। ए सूरज, मैं चलता हूं। अरे मैं मीना को भी छोड़ देता ना, उसको कॉलेज जाने का सुबह। ओके सूरज, मैं भी चलती हूं। अरे तुम ठहरो, मीना को छोड़ देना। लेकिन भैया, गुड नाइट, बाय, ऑफ यू गो, चलो। क्या फिल्म? बाय सूरज, मैं अकेली क्या करूंगी? अरे पार्टी तो अभी शुरू हुई है और मैं हूं ना, रिलैक्स, एंजॉय योरसेल्फ। क्या हुआ, तुम पार्टी इतनी जल्दी छोड़कर क्यों आ गए? भैया तो क्या स्पीच दे रहे थे, बिल्कुल एक नेता की तरह। कांग्रेचुलेशंस सूरज। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। पूजा, राइट? प्लीज, हेलो। कैन आई? यस। थैंक यू। श्योर। सूरज की दोस्त, सबसे करीबी दोस्त। सूरज मुझे भी बहुत पसंद है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे कब क्या चाहिए। इस वक्त भी उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, इसलिए सीधे उसी की तरफ दौड़ रहा है। हेलो सूरज। मिस्टर खन्ना ने सर। थैंक यू वेरी मच। दैट्स व्हाई आई लाइक द बॉय। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी से क्या चाहिए? Mr. Singhania, excuse me, have a good time. How are you, Mr. Singhania? Hello, Mr. Davis. I was hoping to see you in New York. How's your child doing? They are so important for Mr. Navid. Oh, okay. It's been wonderful working with you all. Excuse me. Yeah. Excuse me. कहाँ जा रही हो? घर। घर? मुझे अकेले छोड़ के? तुम जानते हो आज की रात मेरे लिए क्या मायने रखती है? तुम अकेले कहो सूरज, सारी पार्टी तुम्हारे साथ है, सभी जानते तुम्हें। ओ तो तुम मेरे लिए थोड़ी देर बोर नहीं हो सकती हो? तुम तो नाविद जी से बात भी करी। हाँ, बहुत अच्छी बातें करते हैं तुम्हारे नाविद जी, और तुम्हें भी सिखा दिया है बड़ी बड़ी बातें करना। अपनी दोस्त की मौत को बहुत अच्छी तरह से बेचा है तुमने।
पता है पूजा, बात वो नहीं है, बात ये है कि मेरी तरक्की से तुम्हें खुशी नहीं हो रही है, बल्कि बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हारे दिए हुए टाइम से तुम्हें नहीं मिलता हूं, तुम्हारे दोस्तों से नहीं मिलता हूं, तुम्हारे चॉइस के कपड़े नहीं पहनता हूं, तुम्हारे सहारे चलना मैंने कम कर दिया है, क्योंकि अब मैं वो लड़का नहीं रहा जो तुम्हें पसंद था, एक सीधा साधा भोला भला बेवकूफ लड़का। देखो पूजा, पूजा मत रो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त में, देखो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन क्या हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते रोए बगैर? हेलो, हे सर राज, वेयर आर यू माय हीरो? सर मैं नीचे हूं, मैं अभी आता हूं। come soon, champagne's waiting for you, boy. Yes, sir, I'll just be there. Thank you. एक्सक्यूज मी सर, बहुत देर हो गई है, मैं चलूं? देर कहां हुई है, हम तो बिल्कुल वक्त पर है। वो क्या सर कि मां इंतजार कर रही होगी। थैंक यू, गुड नाइट। A ver.
सूरज साहब। दुनिया भर को आप अपनी पार्टी पर बुलाते हैं और हमको आप पार्टी फिनिश हो जाने के बाद बुलाते हैं। पार्टी मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ करता हूं, अब तक तो मैं तुम्हें सिर्फ जानता था, अब मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं। थैंक यू, पर हमारी जरूरत कैसे पड़ गई? हमने तो ऐसा कोई बड़ा काम किया नहीं। जो काम मैं करने की सोच रहा उतना बड़ा तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। और बात रही आपकी जरूरत की, हर काम के लिए किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, इस काम के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ गई। काम क्या है नावे साहब, ये बताइए, डराइए मत। यही काम है। क्या? डराने का। किसे? पूरे देश को। Hey Suraj, saw you on TV last night, man. You were amazing. बहुत बहुत बधाई सूरज, गुड जॉब मैन, कांग्रेचुलेशंस मैन, टू गुड मैन, टू गुड, टू गुड वर्क मैन, माइंड ब्लोइंग मैन, यू वर सो गुड ऑन टीवी लास्ट नाइट, अमेजिंग। दैट्स हाउ आई एल। पूजा, आई एम सॉरी, कल रात जो भी हुआ उसके लिए। देखो पूजा, मुझे भी ये सब पसंद नहीं है। कम ऑन पूजा, आई लव यू, तुमसे शादी करना चाहता हूं। याद है सूरज, तुम्हीं ने मुझे ख्वाब देखना सिखाया था। अपनी आंखें बंद करो, वो चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है, फिनिशिंग लाइन के उस पार देखो। हम दोनों ने अलग चीजें देखी सूरज, मैंने हम दोनों को देखा, लेकिन तुमने सिर्फ नाविद अली को। हमारे ख्वाब अलग है सूरज, हमारी मंजिलें अलग है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो हमेशा से पता था कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए। हाँ, लेकिन शायद मुझे अब समझना है कि मुझे जिंदगी से क्या चाहिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सूरज, आई लव यू वेरी मच, लेकिन Thank you.
हे सूरज, अपना हीरो, ये सब क्या हो रहा है? अरे तुम्ही ने तो पूछा था ना कि कौन उठाएगा ये जिम्मेदारी, तो हम हैं, हम उठाएंगे ये जिम्मेदारी। सचमुच सूरज, ठीक कहा था तुमने, बहुत कर लिया अंग्रेजी सभ्यता को नमस्कार, बस अब तुम्हारा साथ और सर पे देश पांडे जी का हाथ, फिर देखो कैसे बंद कराते हैं ये विदेशी घुसपैठ हमारे संस्कारों पर। ये लो ताला और ठोक दो कॉलेज के गेट पर, तुम हमारी लड़ाई के सेनापति हो सूरज। रानी, ये सब बंद करो, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मुश्किल है दोस्त, अब नहीं हो सकता दोस्त, अब मुश्किल है। देख नहीं रहे ये सब कितने जोश में है, हा? कितने जोश में है ये सब। सूरज श्रीवास्तव जिंदाबाद, हमारा हीरो जिंदाबाद। सूरज श्रीवास्तव जिंदाबाद, हमारा हीरो जिंदाबाद। सूरज श्रीवास्तव हमारा हीरो जिंदाबाद। सूरज श्रीवास्तव जिंदाबाद, हमारा हीरो जिंदाबाद। सूरज श्रीवास्तव जिंदाबाद, हमारा हीरो जिंदाबाद। कम से कम 5 लाख लोग तो होंगे, एक आध फिल्म स्टार को ले आएंगे, 2-3 लाख और आ जाएंगे, फिर ये रैली नहीं कुंभ का मेला लगेगी और फिर हिलेगी दिल्ली। रैली में क्या कहोगे मालूम है? बहुत कुछ कहने को है नाविद भाई, बहुत कुछ नहीं। आप सिर्फ 50% रिजर्वेशन की डिमांड करेंगे, 50% आरक्षण, यही आपके रैली का मेन मुद्दा होगा। जनाब, दिल्ली यूं ही नहीं हिलती, उसे जनता हिलाती है, और जनता को, समझ गए आप? समझ गए नावेद भाई, 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, आप चिंता मत करिए बिल्कुल। सूरज वेलकम माय हीरो, आवाज का लॉन्च इतना कामयाब होगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। मेरे तरफ से तुम्हारे लिए ये तोहफा, मेरी गाड़ी। सर मैं अभी अपनी कॉलेज से आ रहा हूं, वहां की स्टूडेंट्स मारपीट पे उतर आए, कॉलेज जला देने की धमकी दे रहे, ये सब क्या हो रहा है? वो तुम्हारा अपना कॉलेज है ना, इसीलिए स्टूडेंट्स ज्यादा भावुक हो रहे होंगे। वैसे और जगहों से भी खबरें आ रही हैं, मुद्दा धीरे धीरे गर्म हो रहा है, एक आध दिन में तो भपकेगा। सर चैनल के लॉन्च में मैंने जो कुछ भी कहा था उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है, इस चैनल से हम लोगों को समझाना चाहते हैं, भड़काना नहीं। अरे भाई जनता है, आज भड़क गई कल शांत हो जाएगी। कौन करेगा? ऑब्वियसली तुम ही करोगे। क्यों अच्छा नहीं लगता इतने सारे लोग आज तुम्हारी बात सुन रहे, और वैसे भी तुम्हारे ख्वाब तो और भी बड़े हैं ना, लोगों को वो दो जो उन्हें चाहिए और उनसे वो लो जो हमें चाहिए। 2 दिन के बाद रैली है, देश पांडे जी रैली में 50% का मुद्दा उठाएंगे, मैं चाहता हूं कि तुम आ रहो, ओके? एक्सक्यूज मी सूरज। हमारे नेता बिके हुए हैं, किसके हाथों? डबल रोटी और शरबत बेचने पधारिए नेता जी के हाथों। आज के उभरते हुए युवा नेता स्वागत है सूरज जी, आइए। सूरज श्रीवास्तव भी हमारे साथ हैं। सूरज श्रीवास्तव जिंदाबाद, सूरज श्रीवास्तव जिंदाबाद, श्रीवास्तव जिंदाबाद, श्रीवास्तव जिंदाबाद। आओ सूरज आओ जिंदाबाद। मुझे ऐलान करते हुए अपार गर्व हो रहा है कि हमारी पार्टी पार्लियामेंट के सामने 50% रिजर्वेशन की डिमांड करेगी, हर क्षेत्र में, चाहे वो सरकारी हो
चाहे वो प्राइवेट हो, 50%, 1% भी कम नहीं। भारत माता की जय, प्रजातंत्र की जय, 50% आरक्षण जिंदाबाद, राष्ट्रवादी संघ जिंदाबाद, प्रजातंत्र की जय, 50% आरक्षण जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज महाराष्ट्र के प्रमुख नेता श्री बालकृष्ण देशपांडे प्रधानमंत्री से मिले। उन्होंने 50% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। पीएमओ से ये पता चला है कि प्रधानमंत्री ने उनकी बातें मानने से इनकार कर दिया है। देश के बाहर का झगड़ा ज्यादा गंभीर है, अंदर का झगड़ा तो अंदर के लोगों ने चलाया हुआ है। हम देश चला रहे हैं या मायके ससुराल का झगड़ा निपटा रहे हैं? अब आप लोग देखिए देश में कैसा तांडव होता है। मैं शिवानी शाह इस वक्त बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने खड़ी हूँ। यहाँ कोहराम मचा है और सिचुएशन बहुत टेंस है। रैली तो अपनी सफल हो गई देशपांडे जी, अब दिल्ली में हम लोग राज करेंगे, आप देखना। विधानसभा में दलितों का मुद्दा जो महाराष्ट्र के नेता श्री बालकृष्ण देशपांडे ने उठाया था, उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। अरे नहीं नहीं नहीं, उनका राज खत्म हो गया। आरक्षण आंदोलन के और तेज होने की आशा जाग गई है, जब से देश के प्रमुख उद्योगपति श्री नावेद अली ने राष्ट्रवादी संघ में शामिल होने का फैसला किया। पार्टी ज्वाइन करने का फैसला आपने अचानक कैसे किया? देश की सेवा राजनीति में शामिल होकर ही की जाती है। एयर कंडीशन ऑफिस में बैठकर बातें करने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। सरकार तो किसी भी वक्त गिर सकती है, उसके बाद देश को संभालने की जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर आने वाली है। हम चाहते हैं कि आपको पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाए। यह जिम्मेदारी भी हम बखूबी निभाएंगे। शुरुआत में तकलीफ जरूर होती है, फिर आदत पड़ जाती है। I guess तब तक सारे जवाब भी मिल जाते हैं। Now look at you। कल तक तुम सिर्फ एक अच्छे लड़के थे और आज तुम एक अमीर, होशियार, बहुत ताकतवर आदमी हो। सब कुछ चाहिए था ना हमें, बस इतना सा ख्वाब। इस ख्वाब के लिए इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे, एहसास नहीं था। तोड़ दूंगा इस ख्वाब को। बहुत मुश्किल है सूरज, नहीं कर पाओगे। सिर्फ यहां से ही नहीं, अब यहां से भी सोचना शुरू कर दो। सॉरी, मैं बिना बताए आ गई। नो नो, प्लीज कम इन पूजा। सूरज, तुमसे कुछ बात करनी है। आई विल जस्ट सेंड यू ऑल सम कॉफी, एक्सक्यूज मी। कहो। पता नहीं तुम्हें ये जरूरी लगे या नहीं, लेकिन तुम्हारी अपनी बहन मीना, जिसे तुम बनारस से मुंबई एक बेहतर जिंदगी देने के लिए लाए थे, वो यशवंत राणे के मोर्चे में सबसे आगे तुम्हारा नाम चिल्लाते हुए जा रही है। हो सके तो उसे रोक लो। अगर प्रधानमंत्री ने हमें हमारे हक नहीं दिए, तो हम में से रोज
एक विद्यार्थी यहां पर अपनी जान देगा और इसकी शुरुआत हम अभी इसी वक्त यहां करके दिखाएंगे। छात्र एकता सूरज, मीना को कुछ नहीं होगा। मां, चार चार डॉक्टर लगे हुए हैं, शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सारी फैसिलिटीज है, यहां डरने की कोई बात नहीं है। तू क्या सोचता है, बड़े से बड़े अस्पताल में उसका इलाज करवाकर तू अपना फर्ज पूरा कर रहा है? तेरी जिम्मेदारी खत्म, गलती माफ। तुम लोगों की इस लिस्ट में और कितने बच्चों का यह हाल होगा जिसके बाद तेरा वो सपना पूरा होगा जो तूने और नावेद अली ने साथ मिलकर देखा है। तेरी तरक्की से मुझसे ज्यादा खुशी मीना को हुई थी। तेरे सपनों की वजह से देख उसका क्या हाल हो गया। ये किताब जो तू बचपन में अकेले बैठकर देखता था, उसमें महान तस्वीरें इसलिए चिपकाई थी ताकि अच्छाई बुराई, संस्कार, समाज, देश, वो तस्वीरें तुम्हें इसके बारे में समझा सके, तुमसे सवाल पूछती रहे, तुम्हें रोकती रहे। लेकिन जिस दिन तुमने नावेद अली की तस्वीर इस पर चिपकाई, मुझे डर तो लगा था लेकिन अपने मां होने पर मुझे ज्यादा भरोसा था। तू अपने मां का बेटा नहीं है। मैं इस पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते आप सबसे ये वादा करता हूं कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा ना अपने दिल से बच्चों के लिए कुछ ऐसा मैं इस पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते आप सबसे वादा करता हूं कि इस देश के बच्चों के लिए, इस देश की उन्नति। सूरज, अच्छा हो गया तुम आ गए। वो कुछ मिल नहीं रहा है। हर नेता वही लाइन बोलता है। मैं कुछ ऐसा बोलना चाहता हूं जिसे लोग सिर्फ सुने और सुनते रहे। देखो ये कैसे लगता है, मैं सर हिंदुस्तान के बच्चों के लिए कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो कि आज तक के कोई नेता ने। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं तुम्हारी बहन अस्पताल में, उसका ख्याल रखा जाएगा। तुम्हें तो मेरे साथ दिल्ली चलना है। मैं पार्टी प्रेसिडेंट की शपथ ले रहा हूं और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। सर, मैं ये सब नहीं चाहता था। या तो तुम तब झूठ बोल रहे थे या तुम अब झूठ बोल रहे हो। तुम्हें सब कुछ चाहिए था ना, सब कुछ। और आज जब तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, सिर्फ हाथ बढ़ाने की देर है और तुम डर रहे हो।
यू स्केयर्ड? सब बात डरने की नहीं है। तो फिर दुख हो रहा है, रोना आ रहा है, किस लिए? इस देश की जनता के लिए जो कि इतने बेवकूफ हैं और इतनी ज्यादा हैं कि एक तुम्हारे पे तो क्या फर्क पड़ता है। सूरज, जो मर गए हैं उनकी मूर्तियां हिंदुस्तान के हर कोने में लगाई जाएगी, वो शहीद कहलाएंगे। फिर 4-5 महीने में इलेक्शन, तुम्हें बनारस से टिकट दिलवाऊंगा मैं, यंगेस्ट एमपी इन पार्लियामेंट। यकीन नहीं हो रहा है हम राजनीति खेल पाएंगे? राजनीति तो एक बिजनेस है, दो लोगों को यहां से खरीदो, तीन वहां बेचो, और फिर मैं तो व्यापारी हूं, एंड पॉलिटिक्स इज द मोस्ट लुक्रेटिव बिजनेस। मैं किसी देशवेश को नहीं मानता, मैं मानता हूं तो सिर्फ करेंसी को, पैसों को। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही करेंसी हो, उसके सारे नोट मेरे पास आओ, मेरे पास, सिर्फ मेरे पास। आसमान पाने का ख्वाब देखो, सूरज तो मिल ही जाएगा। मेरा भी बस इतना सा ख्वाब है। झूमे ये जमीन, झूमे आसमान, झूमे ये जमीन, झूमे आसमान, झूमे ये जमीन, झूमे आसमान, दोनों है मेरी बाहों के दरमियान। झूमे ये जमीन, झूमे आसमान, दोनों है मेरी बाहों के दरमियान। कैसा मजा है ये, कैसा है नशा, कदमों में है जैसे मेरे ये जहां। चाहा है वो ही पाया है, आज मस्ती में जाम उठाया है। झूमे ये जमीन, झूमे आसमां, दोनों है मेरी बाहों के दरमियान। कदमों में है जैसे मेरे ये जहां, जो भी चाहा है वही पाया है, आज मस्ती में जाम उठाया है। Thank you.
जहां है वही जमीन आसमां वही आंखें खुली तेरा कुछ भी नहीं आया जहां से चलते वही के नहीं तेरी ये महफिल नहीं तेरी ये जमीन तेरा आसमां बस इतना सा तेरा ख्वाब था बस इतना सा तेरा ख्वाब था बस इतना सा ख्वाब है सूरज या नहीं है। मैं मीना से मिलने आई थी, अब कैसी है वो? ठीक है। अच्छा पूजा, तुम सूरज से मिली क्या? सूरज अब मिलने के लायक नहीं रहा, शायद मैं उसके लायक नहीं रही। वैसे भी सूरज इतना लंबा है, आपके बगल में ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं पूजा, मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, मैंने सूरज को कभी पाने की कोशिश नहीं की। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरा कोई छिन गया है? सूरज की आवाज इतनी क्यों बदल गई? उसकी आंखों में प्यार की जगह गुस्सा क्यों दिखाई देने लगा? मैंने उसकी आंखों में इतने गौर से कभी नहीं देखा। मैंने देखा है, वो बोलती है। पूजा, सूरज को एक नई दुनिया दिखाने का, उसे थोड़ा सा बहकाने का जिम्मा मेरा जरूर था, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे प्यार को तुमसे छीनने की कोशिश नहीं की। हाँ, तुम शायद मेरी बात पर यकीन न करो, लेकिन सूरज तुम्हें यकीन दिलाएगा, वो संभल गया है पूजा। और वैसे भी मैंने अपनी बुरी नजर हटा ली है। और हाँ पूजा, सूरज के बगल में तुम ही अच्छी लगती हो। तुम जब भी उससे बात करोगे, सर उठा के करोगे, और वो सर झुका के सुनेगा। और क्या चाहिए जिंदगी से? आंखें बंद करो और जो चीज तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यारी हो फिनिशिंग लाइन की उस ओर देखो। पता है पूजा, मुझे अपनी आंखें बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि
क्योंकि आज मुझे जो जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यारी है वो मेरे सामने बैठी है। मैं जिंदगी से सब कुछ चाहता था पूजा, सब कुछ, पर सब कुछ पाके भी अगर मैं अपनी मां का आशीर्वाद और तुम्हारा प्यार नहीं पा सका तो मेरा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। मेरा ख्वाब क्या, मैं अधूरा रह जाऊंगा। जिंदगी के इस दौड़ में मैं अब अकेले नहीं भाग सकता पूजा, तुम्हारे बगैर तो बिल्कुल नहीं। हो सके तो माफ कर देना। दौड़ तो हकीकत में अब शुरू हुई है सूरज, जिसमें मैं चाहती हूँ कि दौड़ो तुम और जीत हमारी हो। आप बच्चों को तोड़फोड़ से दूर रखें, हम पुलिस वाले आतंकवादियों से निपटें, ड्रग डीलर से निपटें या फिर नेताओं से निपटें। आप लोग अपने अपने केबल ऑपरेटर्स के थ्रू हर घर में ये सूचना पहुंचाइए कि वो लोग अपने बच्चों को इस सब से दूर रखें। अगर फिर भी ये लोग नहीं समझते, इस टेप के अंदर नावेद अली के सारे घिनौने सपने हैं। वो कौन है, क्या है और क्या चाहता है, सब इस टेप के अंदर है, उसी की जुबानी। पिछले 15 दिनों में जनता का डिससैटिस्फेक्शन और गुस्सा देखकर ये साबित होता है कि उन्हें एक ऐसा लीडर चाहिए जिनकी इमेज साफ हो और जो ग्रास रूट लेवल से उनकी भलाई सोचे। आज हमें एक बार फिर इंतजार है मिस्टर नावेद अली का, जो पूरे देश की आवाज बन चुके हैं और जिन्हें राष्ट्रवादी संघ का पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है। इस पॉलिटिकल मूव से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद इस देश को जल्द ही एक नया प्रधानमंत्री मिलने वाला है। की टेप है, इसे लगा। कितने घर है तेरे अंडर? हजारों घर। सभी घरों में अभी दिखने चाहिए। भारत प्रगति की एक नई दिशा में चलने वाला है, आप देखना अब हम लोग राज करेंगे। ये कैसे प्ले करके तू मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है मैन, ये तेरा चांस है सारा इंडिया के लिए कुछ करने के लिए। थॉमस जल्दी से एक असर दिखा, तेरे पाप धुल जाएंगे और देश का भला भी होगा। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है, और सिर्फ कह के नहीं कह रही, अपने आप को जला जला कर आत्मदाह करके कह रही है कि उनको ये मौजूदा सरकार नहीं चाहिए, उन्हें एक नई एक अच्छी सरकार चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाले? हाँ, इस बैग में क्या है? रानी कसम गंगा मैया की, इस बैग को मत छोड़। आज जनता की आवाज को अंजाम देने का बीड़ा हमारी पार्टी ने उठाया है, और मैं इस ऐतिहासिक मौके पर आप लोगों से विनती करूंगा कि आप हमारी पार्टी के नए प्रेसिडेंट का चुनाव करें।
मैं नाम प्रस्तावित करता हूं, श्री नावेद अली। बैग लेके आ जाओ। सूरज मेरे ख्याल से गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं है, नजारा गवाह है। आइए नावेद जी, हमारी इस पार्टी को आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की जरूरत है, आइए। सबसे पहले मैं पार्टी के सभी मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि आप लोगों ने मुझे वोट दिया, बल्कि इसलिए कि आप लोगों ने इस देश में जो क्रांति की भावना जगाई है वो बेमिसाल है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उन तमाम कॉलेज स्टूडेंट्स का जिन्होंने अपने नौजवान कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाई और बखूबी निभाई। कुछ ही महीनों में इलेक्शंस होंगे और मेरा मानना है कि हमें नौजवानों पर जोर देना होगा। अठारह की उम्र का हर बच्चा हमारी पार्टी में आकर अपना भविष्य देखे और वो हर बच्चा पोलिंग बूथ में जाकर वोट दे। क्योंकि अगर हमने इन नौजवानों का हौसला बढ़ाया तो इस देश का भविष्य हम बनाएंगे। मैं किसी देश विदेश को नहीं मानता, मैं मानता हूं तो सिर्फ करेंसी को, पैसों को। मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही करेंसी हो। वो दिन दूर नहीं जब ये सब क्या हो रहा है। देशपांडे ये क्या है। पार्टी प्रेसिडेंट का प्रस्ताव रद्द किया जाए। देशपांडे, देशपांडे जी, हम सब नावेद अली की वजह से भूतपूर्व होने वाले हैं। ऐसी कौन सी खबर सुन ली आप लोगों ने जो इतना बड़ा तहलका मच गया। तुम्हारे बच्चे ने नादानी कर दी। एक टेप, कौन सा टेप। जिसमें आपने देश और जनता को भरपूर गालियां दी है और वो घर घर में दिखाया जा चुका है। नावेद अली साहब, तुम्हारी वजह से अब हमें क्या भुगतना पड़ेगा जानते हो। सारा देश हम पर थूकेगा जनाब। ये क्या किया आपने, आपने उसको छुपा दिया। नावेद साहब, कैसी लग रही है ये जमीन। महाजनोचैन गदह सुपंथा, जिंदगी में उसी पथ पे चलो जिस पे महान लोग चले हों। मेरे लिए आप महान थे लेकिन आप तो एक तुच्छ व्यापारी निकले। मेरा हीरो चोर निकला, उसने मेरी तमीज और मेरे संस्कारों को मेरी कमजोरी समझी और यहीं वो चूक गया।
संस्कारों का बांध बहुत मजबूत होता है नावेद साहब, बहुत मजबूत। ये मिलता है प्यार से, परिवार से और देश से, जिन्हें आप कोई अहमियत नहीं देते। इसीलिए आप हार गए। मैं भी गिरा था, गिर के संभल गया। अब कभी नहीं गिरूंगा। गिराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब कैसी लग रही है ये जमीन? इस पे चलना सीखे नावेद साहब, बहुत उड़ लिए आसमान में। Say it.